My mother name is Asma Begum. My brother name is Muhammad Azan. My sister name is Zeba and Mahira. I am 6 years old. I live in Sakinaka. I go to Anjuman Nurul Islam Urdu Primary School. My father name is Baba Patel. My mother name is Ajira Patel. My sister name is Aisha Siddika Patel. My brother name is Muzammil and Mudansir Patel. I am a 6 year old. I live in Sakinaka. I go to Anjuman Nurul Islam Urdu Primary School. I like mango. I am a girl. My name is Aljifa. I am 6 years old. I live in Sakinaka. I go to Anjuman Nurul Islam Urdu School. समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। साथियों, ये ऐसी वबा फैली है जिससे सारी दुनिया को खतरे का खदशा लाहक है। हदीस है कि जब किसी किस्म की वबा फैले तो तुम जहां हो वहीं रहो। साथियों, आज सारी दुनिया में कोरोना नामी वायरस फैला हुआ है जो कि एक दूसरे के छूने से तेजी से फैल रहा है और अभी इसका मुकम्मल इलाज महसूल नहीं हुआ है। इससे बचने के लिए हमको एक दूसरे से मिलना जुलना बंद करना जरूरी है। साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। हर 20 मिनट या आधे घंटे में हमें हाथों को धोना चाहिए। ये वायरस अगर किसी भी फर्द को है तो इसके छींकने और खांसने से बाकी मानदा तमाम अफराद को फौरन से फैलता है। इसीलिए छींकने खांसने के वक्त हमें अपने मुंह पर मास्क लगाना चाहिए और पूरी कोशिश करना चाहिए कि मास्क को ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल ना करें। हर एक या दो दिन बाद हमें नया मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। इस कोरोना वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपने आप को घरों में महफूज करें। जैसे कि हमारी हुकूमत ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन रहना चाहिए। इस तरह हम इस कोरोना वायरस से महफूज रह सकते हैं। मैं आप सबसे यही इल्तिजा करूंगा कि बराए करम घर में रहें, बाहर ना निकलें और अगर बहुत जरूरी है निकलना तो। साथियों, हम तो नहीं निकलते, हमारे वालिदैन को जरूरत के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत पड़ जाती है तो हमारे वालिदैन में से जो भी बाहर जाएगा इनको सैनिटाइजर लगवा कर भेजना चाहिए। बालों को ढाक कर जाना चाहिए। बाहर जाने के बाद मुख्तलिफ लोगों से फासला रखना चाहिए। घर आने के बाद कपड़े धो लेना चाहिए और कपड़ों को तब्दील कर लेना चाहिए ताकि बाहर जाकर आने के बाद बाहर का कोरोना वायरस हमारे घर में ना आए। साथियों, जान है तो जान है, तो फिर मेरे साथ बोलो, घर में रहेंगे, कोरोना को भगाने के लिए हुकूमत का साथ देंगे। खुदा हाफिज़।
बोली आई क्या बोलियाचा तेजस लाही राग आला तो उपाश चिच झोपला द गोल्डन फिश Malhar was a fisherman. He loved his wife in a little hut near the sea. He went down to the sea very day to catch fish. One day a strange thing happened. He caught a big golden fish in his net. Then Malhar took the fish out of water. The fish began to speak. Maya's dream. Maya the milkmaid was stirring a pot of milk when her head. The milk was fresh and creamy. Maya began to dream. There's no much milk in the pot. It's rich and creamy. I make nice thick dahi with this milk. Then I will crunch it and milk butter. I'll take the butter to the market. Maya hope people will come to buy the soft and tasty butter. I will sell it a good price. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A never-ending story. Once there was a king. He loved stories. Tell me a story, he said all the time. At the end of the story, he said, and then what happened next? Nothing. This is the end, said the storyteller. Tell me a story that has no end. I want a never-ending story. The storyteller thought and thought. All his story had an end. Maya's dream. Maya the milkmaid was stirring a pot of milk when her head. The milk was fresh and creamy. Maya began to dream. There's no much milk in the pot. It's rich and creamy. I make nice thick dahi with this milk. Then I will crunch it and milk butter. I'll take the butter to the market. Maya hope people will come to buy the soft and tasty butter. I will sell it a good price. पार्ट नंबर 21 आपला वाचनालय अतुल ए सुहास चलणारे खेळायला सुहास थांबा नारे जरा या पेपरमध्ये किती छान माहिती छापून आली आहे या माहिती कात्रण कापून घेतो मग जाऊया ना खेळायला अतुल तू एवढ्या कात्रणाच करतोस तरी काय सुहास अरे वर्तमान पत्रात छान छान कविता चित्रकथा गोष्टी कोडी पशु पक्ष्यांची माहिती येते ती मी कापून वहीत चिकटवतो मॅडमन संगीतलेला प्रकल्प पूर्ण होतो अतुल अरे वा अस्सलामु अलैकुम ये कोरोना वायरस की दुआ है अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी अल्लाहुम्मा आफिनी फी समाई अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी ला इलाहा इल्ला अंता शुक्रिया एक बादशाह था उसने अपने मुसाहिब को हुक्म देख रहा था कि अगर मैं किसी की बात सुनकर बहुत खुश हूं तो उसे 1000 रुपयों की थैली इनाम
इनाम में देना। एक दफा बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार को जा रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े बागबान को देखा जो अपनी जमीन में पौधे लगा रहा था। उसे पौधे लगाता देखकर बादशाह ने एक मुसाहिब से कहा, देखो तो ये बागबान कितना बूढ़ा हो गया है, लेकिन अब भी उसे कमाने की फिक्र है। ये पौधे बरसों में दरख्त बनेंगे, तब उन पर फल आएंगे। क्या वो इनके फल खाने तक जिंदा रहेगा? बादशाह की बात सुनकर मुसाहिबों ने कहा, हुजूर बिल्कुल ठीक फरमाते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, उस बागबान को हमारी खिदमत में हाजिर करो। उससे पूछते हैं कि ऐसी बेकार मेहनत क्यों कर रहा है। बादशाह के हुक्म से बागबान को उसके सामने पेश किया गया। बादशाह ने उससे पूछा, बड़े मियां तुम्हारी उम्र क्या है? हुजूर मेरी उम्र 84 साल है। तुम्हारा क्या अंदाजा है कितने दिन और जियोगे? हुजूर कुछ नहीं कहा जा सकता, मौत का वक्त कोई नहीं जानता। वैसे मेरा अंदाजा है कि ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल और जिंदा रहूंगा। और तुम्हारे इन पौधों में फल कितने दिनों में आएंगे? इन पौधों में 10 साल के बाद फल आ सकेंगे। जब तुम उन पौधों के फल नहीं खा सकोगे तो फिर उन्हें क्यों लगा रहे हो? हुजूर अल्लाह की किसी मेहनत पर मेहनत बेकार नहीं करता। बागबान ने बाग के दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए सरकार, मेरे बुजुर्गों ने जो पौधे लगाए थे उनके फल मैं खा रहा हूँ। अब जो पौधे मैं लगा रहा हूँ उनके फल मेरे बच्चे खाएंगे। बहुत खूब, बादशाह ने बेसकता कहा। बादशाह ने जबान से बहुत खूब निकला तो उसके मुसाहिब समझ गए कि बादशाह को बागबान का जवाब पसंद आ गया है। मुसाहिब ने फौरन हजारों रुपयों की थैली बूढ़े बागबान की तरफ बढ़ा दी और बोला, बड़े मियां हुजूर की तरफ। बूढ़े बागबान ने 1,000 की थैली लेते हुए अदब से झुककर कहा, हुजूर मेरे लगाए हुए ये पौधे तो 10-12 साल में फल देंगे, लेकिन मुझे तो आज ही उनका फल मिल गया। बहुत खूब, बादशाह को बागबान का ये जवाब भी पसंद आया। मुसाहिब ने इसे एक और थैली इनाम में दी। दूसरी थैली पाकर बागबान ने अर्ज किया, हुजूर मेरे ये पौधे तो साल में एक बार फल देंगे, लेकिन मुझे इसी वक्त 2 बार उनका फल मिल गया। बहुत खूब, बहुत खूब, बादशाह को ये जवाब इतना अच्छा लगा कि 2 बार उसने बहुत खूब कह दिया। मुसाहिब ने आयशा बंद करो कबाट, बार 2 थैलियां उसे थमा दी। बूढ़े ने सर झुकाकर वो थैलियां भी ले ली और बोला, हुजूर मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि जिस मुल्क का बादशाह आया पर मेहरबान होता है तो उसका पूरा मुल्क खुशहाल होता है, हो जाता है। रियाया। मैंने ये बात कानों से सुनी थी, आज अपनी आंखों से देख ली। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बादशाह बूढ़े के उस जवाब से इतना खुश हुआ कि 3 बार उसकी जबान से बहुत खूब निकल पड़ा। उसने बागबान से कहा, बड़े मियां अब तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। बागबान ने अर्ज किया, हुजूर हम बागबानों और किसानों को सबसे
मुझे मुंह मांगे इनाम देना चाहते हैं तो सरकार पानी का मकसूद इंतजाम फरमा दे ताकि बागबानों और किसानों को राहत मिले। तुम ठीक कहते हो, बच्चन कहा और बादशाह ने कहा और पूरे मुल्क में नहरें जारी करने के हुक्म दे दिया। कुछ ही दिनों में पूरे मुल्क में नहरों का जाल सांच गया। जगह जगह कुएं खुदवाएं गए। मुल्क दिन दोनी रात को रात चौकनी तरक्की करने लगा। माई खैर अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ आई एम अ गर्ल। माई नेम इज सबिया बानो। माई फादर नेम इज मेहता बानो। माई मदर नेम इज साफिया बानो। माई सिस्टर नेम इज सैमा एंड सालिहा। I am 9 years old. I am standard. My school name is Shivaji Nagar Municipal Hindi School number 5. My class teacher is Zarif sir. My principal surname is Salim sir. I live in Mumbai. My address Plot number 17, line number E, room number 84, Lotus Colony, Shivaji Nagar, Gondi, Mumbai, 400043. My mobile number 9702812702. My favorite color pink. My hobby is reading. Fresh green cabbage. Who are you? I am a smart white rabbit and I eat cabbage. Hello, I am a juicy crunchy carrot. Who are you? I am a smart white rabbit and I eat carrots. Hello, I am a big red tomato. Who are you? I am a smart white rabbit and I eat tomatoes. Hello, I am a green leafy vegetable. Who are you? I am a smart white rabbit and I eat vegetables. मुल्क बादशाह के साथ होती थी।
सल्तनत के काबू में आई। आदिल शाह चांद बीबी से मशहूर किया करता था। चांद बीबी लोगों से खुद उनकी जुबान में बातें करती थी। लोग भी अपने मुल्का को दिन से चाहते थे। वो इसकी बड़ी इज्जत करते थे। चांद बीबी की शादी से 16 वर्ष बाद इसके सोहर का इंतकाल हो गया। इसको कोई उसे कोई औलाद ना थी। जैसे तख्त पर बैठा जाता, इसलिए चांद बीबी ने अपने भतीजे को तख्त पर बैठा दिया। इसने अपने नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला। इसने अपने रियासत में बहुत से कुंभें खुदवाए, तालाब, सड़कें और कई उम्दा इमारतें बनवाई। इस तरह इसने अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के बहुत काम किए। दिल्ली का शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। इसने अपने एक बेटे को फौज देकर अहमदनगर पर हमला करने के लिए रवाना किया। ये खबर सुनकर चांद बीबी अहमदनगर पहुंच गई और अपनी रियासत को बचाने के लिए तदबीरें करने लगी। इसने अहमदनगर के किले में खाने पीने का बहुत सारा सामान जमा कर लिया था। इस खौफ था कि दुश्मन की फौज ज्यादा दिनों तक किले को घेरे रखेगी तो किले के अंदर लोग भूखों मर जाएंगे। इसने किले की दीवारों और रास्तों पर फौजी पहरा लगा दिया, मगर अकबर की फौज ने बारूद से किले की दीवार गिरा दी। चांद बीबी टूटी हुई दीवार के पास खड़े हो कर दुश्मन का मुकाबला करने लगी। करीब था कि अकबर की फौज हार मान लेती, मगर चांद बीबी के कुछ साथी मिल गए और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई। इसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं। इसने साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जोहर दिखा सकती है। And I am going to read the sky is falling. Once there was a dear little chicken called Chicken Licken. She was hopping about under a big tree when a leaf fell right on her head. Oh no, the sky is falling, said Chicken Licken. And she started to run. By and by, she met Henny Penny. Why are you running, Chicken Licken? The sky is falling, and a piece of it fell right on my head. Oh, said Henny Penny, and she too began to run with Chicken Licken. By and by they met Cocky Locky. Why are you running, Chicken Licken and Henny Penny? The sky is falling. A piece of it fell right on Chicken Licken's head. Oh dear, said Cocky Locky, and he too began to run with them. By and by they met Ducky Lucky. Why are you running, Chicken Licken, Henny Penny and Cocky Locky? The sky is falling. A piece of it fell right on Chicken Licken's head. Dear me, said Ducky Lucky, and she too began to run with them. By and by they met Goosey Poosey. Why are you running, Chicken Licken, Henny Penny, Cocky Locky and Ducky Lucky? The sky is falling. A piece of it fell right on Chicken Licken's head. When Goosey Poosey heard this, she began to run with them without saying a word. By and by they met Foxy Loxy. Why are you running, Chicken Licken, Henny Penny, Cocky Locky, Ducky Lucky and Goosey Poosey? The sky is falling. A piece of it fell right on Chicken Licken's head. Now Foxy Woxy was a cunning fellow. Don't worry, he said. I will take you all to a safe place. He took them all to his cave. Go inside my cave and you will all be safe.
He told them, so in went Chicken Licken, Henny Penny, Cocky Lucky, Ducky Lucky, and Goosey Pussy. Ha ha ha! Foxy Loxy said, you foolish creatures, I have caught you all. Help! Help! Chicken Licken and her friends to shout. Doggy Dear heard their shouts. He ran to the cave. Beware, Foxy Loxy. He shouted, here I come. And then Foxy Loxy began to run without saying a word. He ran to the cave far away. Thank you. Priya in the village. Hi, I am Priya. I live in a small village. There are many houses in our village. The houses are close together. There are small lanes between the houses. There are many plants and trees around the houses. Daji Kaka is our neighbor. He keeps cows and buffaloes. He milks them every day. We buy milk from him. It's nice and fresh and warm. Ria in the city. Hi, I am Ria. I live in a big city. There are big buildings and wide roads in our city. Buses, cars, bikes, there's a lot of traffic in the city. There's a dairy nearby houses. We buy milk from the dairy. We get the milk in a pouch. It's nice and as cold as ice. सबक नंबर 5 नाव का चक्कर दीपू क्या बात है बोलू तुम इस कदर परेशान क्यों हो बोलू अजीब बात हो गई दीपू भैया वो समझ में नहीं आ रहा है दीपू हुआ क्या कुछ बताओ तो बोलू मैं आज सुबह मेले में गया था दीपू तो फिर बोलू वहां मैंने ये नाव गधे खरीदे दीपू फिर क्या हुआ बोलू मैंने उनको अच्छी तरह गिन लिया था नाव ही थे मैं एक गधे पर बैठ गया और गांव की तरफ चल पड़ा थोड़ी दूर चलकर ख्याल आया कि कहीं एक आधा गधा इधर उधर ना निकल गया हो दीपू तो फिर गिन लेते बोलू वही तो किया मैंने गिना तो सिर्फ 8 गधे थे दीपू अरे एक गधा कहाँ चला गया था बोलू चारों तरफ देखा नजर नहीं आया आखिर में गधे से नीचे उतरा और फिर गिना तो 9 गधे पूरे थे दीपू चलो तुम्हारा खोया गधा वापस मिल गया अब उन सबको लेकर जल्दी से घर चले जाओ बोलू कैसे जाऊं भैया एक गधा फिर घूम हो गया दीपू अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि नाव है बोलू नाव कहाँ फिर 8 रह गए जब मैंने गांव की तरफ जाने से पहले उन्हें गिना तो फिर एक गधा कम था देखो तुम्हारे सामने गिनता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखा सिर्फ 8 रह गए दीपू 8 गधे हैं ना 9 मुझे तो पूरे 10 गधे नजर आ रहे हैं बोलू मुझे 9वां गधा नहीं मिल रहा है तुम्हें 10वां कहां से नजर आने लगा दीपू देखो ये 8 गधे तो तुमने अभी गिने मैं ये है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नौवा गधा जिस पर तुम बैठे हो बोलू अरे हाँ और 10वां गधा दीपू वो जो 9वें गधे पर बैठा है दरख्त दोपहर को नाजो अपने अब्बा के साथ
खाना खा रही थी, इतने में माली एक ताजा नारियल लाया। अब्बा ने इस में सुराख करा करके नाजो को दिए। नाजो सुराख से मुंह लगा कर नारियल का ठंडा और मीठा पानी पीने लगी। पानी खत्म हो गया तो अब्बा ने नारियल के दो टुकड़े कर दिए। नाजो चम्मच से खरोच खरोच कर इसका बलाई जैसे सफेद गूदा खाने लगी। खाने के बाद नाजो और इसके अब्बा बाग में टहलने गए। वहां नारियल के बड़े बड़े दरख्त क्यों खड़े थे, जिस किसी अब्बा ने नाजो को बताया कि नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त भी कहते हैं। ये सुनकर नाजो की बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फैल गई। मगर अब्बा ये दरख्त तो सोने का नहीं, लकड़ी का है। हाँ बेटी, ये सोने का बना हुआ तो नहीं है, मगर इसका हर हिस्सा किस काम में आता है। कोई चीज बेकार काम नहीं जाती, इसलिए इस सोने का दरख्त कहते हैं। Once the king was reading, riding down a village, he saw Kondiba. Kondiba was digging a hole. Good morning, Kondiba. Good morning, O king. What are you doing? I am planting a tree. What tree is this? It's a mango tree. Will it bear fruit after many, many years? Kondiba, you look so old. What you is this tree to you think? Oh king, I am not planting this tree for myself. I am planting it for others. After many years, other people will come here. They will sit in the shade of this tree. They will get the mangoes. Kondiba, you are such a kind man. You have taught me a listen. Now I will also work for others. Three little kittens lost their mittens and they began to cry. Oh mother dear, we very much fear. We have lost our mittens. Oh my, you naughty kittens, lost your mittens. Then you shall have no pie. Meow, meow, meow. No, you shall have no pie. Meow, meow, meow. Three little kittens found their mittens, and they began to cry. Oh, mother dear, see here, we have found our mittens. Oh my, put on your mittens, you silly kitten, and you may have some pie. Purr. Now you may taste the pie. Purr. तालाब था। तालाब में खूब सारी मछलियाँ और मेंढक मिलजुल कर रहते थे। उन मछलियों और मेंढकों के साथ एक बड़ा सा काला कछुआ भी रहता था।
उस कछुए की दोस्ती एक लोमड़ी से हो गई थी। लोमड़ी उसी तालाब के किनारे एक चट्टान के भट में रहा करती थी। कछुआ जब तालाब में तैरते तैरते उठता जाता तो किनारे पर आकर धूप में पड़ा रहता। लोमड़ी भी वहाँ आ जाती। दोनों दोस्त जंगल के दूसरे जानवर फलों फूलों और परिंदों की बातें करते। एक दिन दोनों तालाब के किनारे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि उन्हें शेर की दहाड़ सुनी। उसका रीडिंग और आवाज बनकर, अरे भागो भागो, लोमड़ी चिल्लाई, शेर आया, बच्चों तुम जानते हो कि कछुआ धीरे धीरे चलने वाला जानवर है। उसकी पीठ पर पत्थर की तरह सख्त खोल होता है जो उसकी हिफाजत करता है। उसने जब लोमड़ी को आवाज सुनी उस और उसे भागते हुए देखा तो घबरा गया। उसने देखा कि मैं तो तालाब से बहुत दूर आ गया हूँ, अब दौड़कर तालाब तक नहीं जा सकता। शेर की दहाड़ फिर सुनाई दी और अचानक वो झाड़ियों से निकल आया। कछुआ बेचारा अब क्या कर सकता था। उसने डर के मारे अपना सर अपने खोल में छुपा लिया। शेर ने कछुए को अपना सर छुपाते देख लिया था। उसने गुर्रा कर छलांग लगाई और कछुए को दांतों से जकड़ लिया। ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने भट के सुराग से देख रही थी। अरे बेचारा कछुआ, वो बड़बड़ाई। शेर ने आखिर उसे पकड़ ही लिया। काश वो भाग कर तालाब में चला गया होता। लोमड़ी ने देखा कि शेर कछुए की पीठ पर दांत गाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं? लोमड़ी ने सोचा। वो शेर के गुर्राने की आवाज सुन रही थी। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। वो हिम्मत करके घर से बाहर आई और शेर के पास पहुंचकर बोली, महाराज, उस कछुए की पीठ आपके दांतों और नाखूनों का कुछ असर नहीं होगा। रोली पोली रोली पोली डाउन डाउन डाउन, रोली पोली इन इन इन, रोली पोली आउट आउट आउट, रोली पोली डी योर लेफ्ट साइड, रोली पोली डी योर राइट साइड। मैं छोटा नदी मिश्र मामू का गांव। शायद आज हम सब मामू के गांव जाएंगे। अच्छा हाँ, शायद मैं भी चलूंगी। शायद सुना है वहाँ कोई मेला लगा है। अच्छा फिर तो हम मेला घूमने जाएंगे। शायद वहाँ बड़ा मजा आएगा। अच्छा रात में मामू के घर आंगन बैठेंगे। शायद हाँ नानी से कहानियाँ भी सुनेंगे। अच्छा फिर हंसी खुशी घर लौट आएंगे। परचम है, इसमें तीन रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। ऊपर साफरानी रंग है, बीच में सफेद रंग है, नीचे हरा रंग है, सफेद पट्टी में एक चक्र है, इसका रंग नीला है, इसे अशोक चक्र कहते हैं। हम कौमी त्योहारों पर
सबक नंबर 24 बेचारा जिन। किसी गांव में एक किसान और उस इसकी बीवी अपने कुटिया में रहते थे। कुटिया के करीब ही इनका खेत था। इनकी कोई औलाद नहीं थी। दोनों मिलजुल कर खेत जोते और फसल उगाते थे। एक दिन किसान अस्सलाम वालेकुम सबक नंबर 22 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। एक जमाना था जब हमारे मुल्क में जात पात का रिवाज आम था। बहुत से लोग दलितों को कम तरह समझते थे। उन्हें कुओं झीलों और तालाबों से पानी लेने की इजाजत भी नहीं थी। महाराज का जो चौदार तालाब भी उनमें से एक था। आखिर एक दिन लोग इस ना इंसाफी के खिलाफ उठ खड़े हुए और चौदार तालाब के किनारे पहुंच गए। उनके लीडर नौजवान भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव पिछड़ी जात से ताल्लुक रखते थे। सबसे पहले उन्होंने तालाब में उतरकर पानी को छुआ। दूसरे लोगों को भी हौसला मिला और उन्होंने भी ऐसा ही किया। इस तरह तालाब का पानी सब लोगों के लिए आम हो गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का असल नाम भीमराव सिखपाल था। वो 1891 में महादिया प्रदेश के एक गांव महाऊ में पैदा हुए। उनके वालिद राम जी सिखपाल फौज में मुलाजिमत थे। बहुत बाद में मुलाजिमत खत्म करके सितारा में आबाद हो गए। भीमराव ने अपने तब्दीली तालीम यहाँ हासिल की। पिछड़ी जात का होने की वजह से उन्हें तालीम हासिल करने के लिए कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें दूसरे लड़कों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हॉप लाइक अ रैबिट? कैन यू जंप लाइक अ फ्रॉग? कैन यू फ्लाई लाइक अ बर्ड? कैन यू रन लाइक अ डॉग? कैन यू वॉक लाइक अ डक? Can you sing like a fish and be still like a good choice as this? Bismillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amjad bimar hai. Subah ka waqt hai. Sard hawa chal rahi hai. Amjad bimar hai. Wo garam shawl ode hue hai. Uska jism bukhar se रहा है। उसका पूरा जिस्म दर्द है। वो दर्द से बेचैन है। अमजद की आपा उसे चमचे से दवा पिलाती है। अमजद कहता है, आपा आज मुझे स्कूल भी तो जाना है। आपा, अमजद तुम स्कूल? आपा अमजद को समझाती है, स्कूल की फिक्र मत करो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। ठीक होते ही पढ़ना लिखना शुरू कर देना।
गांधी जी, ये गांधी जी है। सब लोग गांधी जी को बापू कहते हैं। वो हमेशा सच बोलते थे। रोज सुबह सवेरे उठते और खुदा की इबादत करते। इनका रहन सहन सीधा साधा था। वो कहा करते थे, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं। हम सब एक खुदा के बंदे हैं। पहले हमारे मुल्क पर अंग्रेज राज किया करते थे। बापू ने कहा, आओ हम सब मिलकर अपने मुल्क को आज़ाद करें। सब ने उनका साथ दिया और हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। अब हमें आज़ाद है। Coloring yellow, green, blue, indigo and violet, red, red and blue, green, green, red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet, red, red and blue. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so out like a diamond in the sky. When the blazing shine is shine, when the blazing shine upon, when you shine a little light, twinkle, twinkle all the night. Let me sleep. Assalamu
आसमान है फितरत का सबक। ये सूरज चांद सितारे, ये चक्राते सैारे, ये नीलों में समंदर, एक दुनिया इसके अंदर। ये आते जाते बादल और सूखे तो मैं जल थल, ये चांदी जैसा पानी सबसे की रंगत भानी। ये ताजा पुण्य को हवाए खुशियों का संदेश लाए, ये ढलती धूप की लाली ये शाम शगुफो वाली। बच्चों तुम भी तो आओ फितरत को दोस्त बनाओ, दरिया से रवानी सीखो इससे जोलानी सीखो, सबसे से लहकना सीखो फूलों से महकना सीखो, जुगनू से दमकना सीखो तारों से चमकना सीखो, उल्फत का करीना सीखो दुनिया में जीना सीखो। इंग्लिश की नज्म का उन्वान है फ्रेश फूड। रोटी इन द पैन पफ पफ टोस्ट टोस्ट रोटी इन द पैन, वेजी इन द पैन वेजी इन द पैन, फ्राई ड्राई वेजी इन द पैन, सलाद इन द बाउल सलाद इन द बाउल, क्रंच क्रंच मंच मंच सलाद इन द बाउल, मिल्क इन द कप मिल्क इन द कप, सिप सिप स्लप स्लप मिल्क इन द कप, puff puff toast toast dry dry fry dry, crunch crunch munch munch sip sip slap slap। मराठी की पोयम का उन्वान है गारिया गारिया भिंगोरिया। टप 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 पड़ती गारा, टप टप पट पट बेचू सारिया, पकड़ू निधरता बिकड़ू निगेरिया, गारिया गारिया भिंगोरिया। गड़गड़ गड़गड़ में गरजती चम 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 मोर नाचती गारिया गारिया भिंगोरिया, थोड़ 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 ठंडी लगती आग आई ची आई को ये दे, मेरा जावनी स्वच्छ हो गया गारिया गारिया भिंगोरिया। अस्सलामुअलैकुम दादा जान, मेरे अच्छे दादा जान, प्यारे प्यारे दादा जान, मेरे अच्छे दादा जान, प्यारे प्यारे दादा जान। दादाजी की मीठे बोल, लंबा फुलका टोपी गोल, आँख में चश्मा मुँह में पान, प्यारे प्यारे दादा जान। अम्मी कहती है अक्सर दादाजी की खिदमत कर है अक्सर दादाजी की खिदमत कर हरदम हरदम उनका कहना मान, प्यारे प्यारे दादा। हो नहीं हो।
तो हम मेला घूमने जरूर जाएंगे। वहाँ हमें बड़ा मजा आया। रात के मामू के आने के लगेंगे और हाँ नानी से कहानियाँ भी सुनेंगे, हंसी खुशी घर लौट आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे तुम्हारा खत मिल गया है। मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि तुम भी वहाँ खैरियत से होगी। मैंने तुम्हें खत इसलिए लिखा है कि दुनिया भर में एक खतरनाक बीमारी फैल रही है जिसका नाम कोरोना है। ये बीमारी बेहद खतरनाक है, इस बीमारी से जान भी चली जाती है। कोरोना बीमारी से बचने के लिए हमें लोगों से कम मिलना, बाहर से आकर फौरन हाथ पैरों को धोना, बाहर जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल करना, हर 10 मिनट में हाथों को धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और गर्म पानी वगैरह। I am a girl. My name is Alizba. My class first. I am 6 years old. My father name is Hassan Raja. My mother name is Radun Nisa. I love in Sakina ka. हाथ उठाए सर को झुकाए, तेरी करम की आस लगाए, हम आए हैं तेरे दर पर, हम पे खुदाया एक नजर पर, रहमत से दिल पैर हमारे, हम जीते हैं तेरे सहारे, नाम पे तेरे जान फिदा हो, कोई ना दिल में तेरे सिवा हो, सीधी राह दिखा दे हमको, नेक इंसान बना दे हमको, राहत दे दे इज्जत दे दे, इन मौलक की दौलत दे दे। संडे इज आ हॉलीडे, सो हम एंड सिटी आर गोइंग टू विजिट ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा। हेलो ग्रैंडमा, ग्रैंडमा ही बन बिजी टुडे, शी हैज क्लीन ऑल द रूम्स, शी हैज रीप्ड ऑल द वंडर्स, आर यू ट्रेन TIRED ग्रैंडमा, लेट्स गिव ग्रैंडमा एयर रेस्ट टुडे, जस्ट सिट एंड हाउ एच वी हैव आर्म रेस्ट, कमॉन सिटी ग्रैंडपा, सोहम एंड सिटी वर्क इन द किचन, दे आर बिजी, कम टू द किचन ग्रैंडमा, कम एंड सी ओ सूप सैंडविच एंड सलाद, व्हाट इज TIRED ग्रैंडमा, डू यू लाइक बनाना डिलेट, ओ आई लव इट, हमारा परचम है, इसमें 3 रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं, ऊपर जाफरानी रंग है, बीच में सफेद रंग है, नीचे हरा रंग है, सफेद पट्टी में एक चक्र है, इसका रंग नीला है, इसे अशोक चक्र कहते हैं, हम कौमी त्योहारों पर अपने परचम को सलामी देते हैं, हमें अपने परचम से मोहब्बत है, ये हमारे वतन की इज्जत है। अपने वतन में सब कुछ है प्यारे, अपने वतन के दिन रात न्यारे, खिलती है कलियां, हंसते हैं तारे, वो नदियां हैं अमृत के धारे, दुनिया से ऊंचा पर्वत हमारे, बाग और आकाश, फूल और तारे, अपने वतन में सब कुछ है प्यारे, बिल्ली के गले में घंटी, एक जगह बहुत से चूहे इकट्ठे रहते थे, एक बिल्ली हर वक्त उनकी ताक में रहती थी, रोज वो एक चूहे का शिकार कर लेती थी, तंग आकर एक दिन सब चूहे मिलकर बैठे और बिल्ली से बचने की तदबीरें सोचने लगे, कोई कुछ कहता कोई कुछ, एक चूहा खुद को अकलमंद समझता था, इसने खड़े होकर कहा,
کہ اگر میری ترغیب کے مطابق کام کیا جائے تو آئندہ بلی کسی چوہے کو نہیں پکڑ سکے گی۔ وہ ترکیب یہ ہے کہ بلی کے گلے میں ایک گھنٹی باندھ دی جائے تاکہ جب وہ ہم میں سے کسی پر جھپتے تو گھنٹی کی آواز سن کر ہم سب اپنے اپنے بلوں میں چھپ جائیں۔ سب چوہے یہ ترکیب سن کر بہت خوش ہوئے اور اس چوہے کی تعریف کرنے لگے۔ ایک بوڑھا چوہا جو اب تک خاموش بیٹھا سب کی باتیں سن رہا تھا، وہ کہنے لگا، بھائیو ترکیب تو خیر اچھی ہے لیکن یہ بھی تو تم کر لو کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا۔ بوڑھے چوہے کی بات سن کر سب چوہے خاموش ہو کر اپنے اپنے بل میں جا چکے۔ کتنا اچھا پھل ہے ملتا ہے یہ سستے دام، کتنا اچھا پھل ہے گودے دار رسیلے بھی، کھٹا بھی ہے میٹھا بھی، کتنا اچھا پھل ہے چٹنی شربت اور اچھا اس کا مربع سستے دار، کتنا اچھا پھل ہے آم رسیلے ہے مشہور، لنگڑا بھی رس سے بھرپور، کتنا اچھا پھل ہے آم ملتا ہے یہ سستے دام، کتنا اچھا پھل ہے آم۔ بابا جبر ندی سے پانی پانی ماسا چھوٹوں کا سا چھوٹی زبر جھاڑ جھاڑاور پکشی پکشی اچھا پنکھاور چھان چھان نکشی جھاڑا زبر شاڑا شاڑے تلوڑے باگے جشی ڈول داد پھولے۔ مامو کا گاؤں شادا، آج ہم سب مامو کے گاؤں جائیں گے۔ اچھا ہاں شادا میں بھی چلوں گی۔ شادا سنا ہے وہاں کوئی میلہ لگا ہے افشا، پر تو میلے میں گھومنے ضرور جائیں گے شادا، وہاں ہمیں بڑا مزہ آئے گا افشا۔ رات میں مامو کے گھر کے آنگن میں بیٹھیں گے شادا، ہاں ہاں نانی سے کہانیاں بھی سنیں گے افشا، پر ہنسی خوشی گھر لوٹ آئیں گے۔ ہیلو آلیا۔ ہیلو ریشا، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، اینڈ یو؟ آئی ایم آلسو فائن۔ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آئی ایم سرچنگ اباؤٹ کرونا وائرس۔ واٹ از اے کرونا وائرس؟ اٹ از این انفیکشن کریٹ ڈیزیز by new virus. What are symptoms of coronavirus? Like of cough and fever. Social. How can we protect? Wash your hands, cover your face and nose with mask. Use handkerchief, stay at home. Maintain social distance. Thank you. Welcome. I see you. Take care. Hello, Alia. Hello, Disha. How are you? I am fine. And you? I am also fine. How long time I see you? Yes, our school is closed due to coronavirus. Oh, coronavirus. It is very dangerous. But we fight with coronavirus. How? Very simple. Stay at home. Please wear the mask. Do not peek here and there. Wash your hands frequently.
maintain social distance. If we have fever, cough, see medical care early. Avoid touching nose, mouth. Thank you. Take care. Bye-bye. The best person in town. First man, the old woman move aside. Old woman, I can get a please help me. First man, I have no time to help you. I am in a hurry. Old woman, where are you going? First man, I am going to the town hall today. The mayor is going to select the best person in the town. And I am the best. Young woman, the old woman move aside. Old woman, I can get up. Please help me. Young woman, I won't touch you. You are so dirty and old. Look at my clothes. I am wearing my best clothes today. I want to be the best person in the town. Once a fox met a crane. Hello crane, how are you? I am fine. Thank you. How are you? I am fine. Crane, do you like tea? Oh yes, I love tea. Then come to my house tomorrow. We will have tea. Crane went to crane. Help crane has tea into dishes. Heat up your tea. कोरोनावायरस से बचने के लिए 10 एहतियाती तदाबीर. नंबर 1, 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना. नंबर 2, हर 10 मिनट बाद हाथों पर सैनिटाइजर लगाना. नंबर 3, अपने मुंह, नाक और आंखों को बार बार ना छूना. नंबर 4, छींकने या खांसने पर मुंह पर रुमाल रखना. नंबर 5, दिन में 3 मर्तबा गर्म पानी पीना. नंबर 6, सुबह और शाम गर्म पानी की भाप लेना. नंबर 7, घर से बाहर ना निकलना. अगर निकलना बहुत ज़रूरी हो तो मास्क लगा कर जाना. नंबर 8, लोगों से 1 से 1.5 मीटर का फासला बनाए रखना. नंबर 9, अपनी गिजा में विटामिन सी का फलों और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल रखना. नंबर 10, सर्दी जुकाम या सांस लेने में बहुत तकलीफ हो तो अपना चेकअप करवाना. इन बातों पर अमल करने से इंशाअल्लाह आप कोरोना वायरस से बच सकते हो. प्रिकॉशन इज बेटर देन केयर. मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम को इस बीमारी से महफूज रखे. अस्सलामु अलैकुम. अपने अब्बा के साथ खाना खा रही थी, इतने में माली एक ताज़ा नारियल ला
अब्बा ने उसमें एक सुराख करके नाजो को दिया। नाजो सुराख से मुंह लगाकर नारियल का ठंडा और मीठा पानी पीने लगी। पानी खत्म हो गया तो अब्बा ने नारियल के दो टुकड़े कर दिए। नाजो चमचे से खुरच खुरच कर इसका मलाई जैसा सफ़ेद गूदा खाने लगी। खाने के बाद नाजो और उसके अब्बा बाग में टहलने गए। वहाँ नारियल के बड़े बड़े दरख्त यूँ खड़े थे जैसे किसी ने छाते खोल दिए हों। अब्बा ने नारियल को बताया कि नारियल दरख्त के सोने का दरख्त भी कहते हैं। ये सुनकर नाजो की बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फैली। मगर अब्बा ये दरख्त तो सोने का नहीं लकड़ी का है। हाँ बेटी ये सोने का बना हुआ तो नहीं है, मगर इसका हर हिस्सा किसी ना किसी काम में आता है। कोई चीज़ बेकार नहीं जाती, इसे सोने का दरख्त कहते हैं। अब्बा इसका तना तो इतना ऊंचा है, ये किस काम आता है? इसके तने से नाही की कश्तियाँ बनाते हैं, इससे घरों की छतें बनाई जाती है। अब्बा इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं, हवा में झूमते हुए कितने भले मालूम होते हैं। इनसे क्या बनता है? पत्तों से तो बहुत सी चीज़ें बनती हैं। पंखे बनते हैं, चटाइयाँ बनती हैं। अब्बा नारियल को खोपरा भी तो कहते हैं। हाँ बेटी खोपरा खाया भी जाता है और इसका तेल भी निकाला जाता है। खोपरे का तेल बहुत काम की चीज़ है, इससे तरह तरह की मिठाइयाँ बनती है। कुछ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। खोपरे का तेल सर में लगाने और साबुन बनाने के काम आता है। अब्बा नारियल तो बड़े काम की चीज़ है। हाँ हाँ अभी तुमने पूरी बात सुनी भी नहीं। इसके रेशों से रस्सी बटी जाती है, इस रस्सी को काथा कहते हैं। काथे से पायदान और चटाई चार पाइया बुनी जाती है। और अब्बा इसके खोल पानी निकालने के डोंगे भी बनाए जाते हैं। हाँ नाजो ये तुमने खूब कहा, नारियल की हर चीज काम में आती है, इसलिए तो इसे सोने का दरख्त कहते हैं।
पहले थोड़ा मंडे पर करें, मंडे पर सब लोग गांधी जी को बापू कहते हैं। वो हमेशा सच बोलते थे। रोज सुबह सवेरे उठते और खुदा की इबादत करते। उनका रहन सहन सीधा सादा था। वो कहा करते थे, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में भाई भाई हैं। हम सब एक खुदा के बंदे हैं। पहले हमारे मुल्क पर अंग्रेज राज किया करते थे। बापू ने कहा, आओ हम सब मिलकर अपने मुल्क को आज़ाद कराए। सबने उनका साथ दिया और हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। अब हम सब आज़ाद हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा तारुफ, मैं एक लड़की हूँ, मेरा नाम रुकैया है, मेरे अब्बा का नाम जाहिद अली अंसारी है, मेरी अम्मी का नाम करीमा अंसारी है, मेरी उम्र 6 साल है, मैं अव्वल जमात में पढ़ती हूँ, मेरे स्कूल का नाम अल्फला प्राइमरी स्कूल है, मैं मलाड डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। हमारा परचम, ये हमारा परचम है, इसमें 3 रंग है, इसीलिए इसे तिरंगा कहते हैं। ऊपर जाफरानी रंग है, बीच में सफेद रंग है, नीचे हरा रंग है। सफेद पट्टी में एक चक्र है, इसका रंग नीला है, इसे अशोक चक्र कहते हैं। हम कौमी त्योहारों पर अपने परचम को सलामी देते हैं। हमें अपने परचम से मोहब्बत है। ये हमारे वतन की इज्जत है। Zoom zoom zoom, we are going to the moon. Zoom zoom zoom, we are going very soon. If you want to take a trip, climb aboard my rocket ship. Zoom zoom zoom, we are going to the moon. Countdown: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Blast off. 1, 2, 3, 4, अंचल सड़किल मुझे उशार, 5, 6, 7, 8, अंक आंचे तोड़ पन, 9, 10, 11, 12, फ्लाई द साउंड खावारा, 13, 14, 15, 16, खेड़े जाले मुझे घोड़ा, 17, 18, 19, 20, पूरे बाबा जालो अता का 20। पहले की बात है, दिल्ली में गंगू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो दिल्ली के बादशाह नासिरुद्दीन के दरबार में आया जाया करता था। बादशाह और उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। गंगू ब्राह्मण के यहाँ एक नौकर था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत गरीब था मगर मेहनती और ईमानदार भी था। दिन भर वो गंगू के खेत में काम करता था। उसको जो कुछ तनख्वाह मिलती उसी पर उसकी गुजर बसर होती थी। एक रोज हसन खेत में हल चला रहा था। उसका हल किसी चीज में फंस गया। हसन काम करने से रुक गया। इसने जमीन खोद कर देखा तो वहाँ एक घड़ा था। वो घड़ा अशरफियों से भरा हुआ था। इतना बड़ा खजाना पाकर हसन को बेहद खुशी हुई। मगर उसे ख्याल आया कि ये खजाना तो हसन के गंगू के खेत में मिला है। गंगू ही उसका हकदार है। वो अशरफियों का घड़ा लेकर गंगू के पास पहुंचा। उसने गंगू को सारा हाल सुनाया। वो हसन की दयानतदारी से बहुत खुश हुआ। किसी गांव में अहमद और असलम
हम दोस्त रहते थे। दोनों पड़ोसी भी थे, वो साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते थे। इनका गांव छोटा सा था, गांव में कच्चे पक्के मकान थे, छोटे छोटे रास्ते थे, लेकिन ये छोटा सा गांव बहुत खूबसूरत था। गांव में मगरिब की तरफ एक पहाड़ी थी, सामने मशरिक की तरफ एक नदी थी। नदी के इस पार हरे भरे खेत और बाग थे, चारों तरफ हरियाली थी। गांव में एक छोटा सा और बहुत साफ सुथरा स्कूल था, जहां गांव के बच्चे पढ़ते थे। शानवाज अहमद और असलम का हम जमात था। सबक नंबर 15, हसन गंगू। बहुत दिनों पहले की बात है, दिल्ली में गंगू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो दिल्ली के बादशाह नासिरुद्दीन के दरबार में आया जाया करता था। बादशाह और उसके दरबारी गंगू बड़ी इज्जत करते थे, गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। गंगू ब्राह्मण के यहाँ एक नौकर था, जिसका नाम हसन था। हसन बहुत गरीब था, मगर मेहनती और ईमानदार भी था। दिन भर गंगू के खेत में काम करता था। उसको जो कुछ तनख्वाह मिलती, उसी पर इसकी गुजर बसर होती थी। एक रोज हसन खेत में हल चला रहा था, उसका हल किसी चीज में फंस गया। हसन काम करने से रुक गया। इस इतना बड़ा खजाना पाकर हसन को बेहद खुशी हुई, मगर इसे ख्याल आया कि ये खजाना तो गंगू के खेत में मिला है, गंगू ही उसका हकदार है। वो अशरफियों का घड़ा लेकर गंगू के पास पहुंचा। उसने गंगू को सारा हाल सुनाया। वो हसन की दयानतदारी से बहुत खुश हुआ। एक मर्तबा हसन की दयानतदारी का जिक्र गंगू ने बादशाह से किया। बादशाह पर भी इसका बड़ा असर हुआ। इसने हसन को अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया। दरबार में भी वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। कुछ दिनों बाद बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया। दक्कन में इसने लोगों के फायदे के बहुत से काम किए। रियाया इससे बहुत खुश थी। कुछ अरसे बाद हसन खुद दक्कन का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद भी वो अपने मालिक को ना भूला। इसने अपने नाम के साथ अपने मालिक का नाम भी जोड़ दिया और हसन गंगू कहलाया। इतना जमाना गुजरने पर भी उसकी वफादारी और दयानतदारी लोगों को याद है। जल की रानी है, जीवन का पानी है, हाथ लगा तो डर जाती है, बाल निकालो तो मर जाएगी। गोरे ले लो, ताशे ले लो, ताश लो तो ताशे ले लो, आपके नाप के मोजे ले लो, काले काले जूते ले लो, माजे ले लो, माले ले लो, खून के जाल के साले ले लो।
अस्सलामुअलैकुम, मेरी नजम का नाम है हमारे पड़ोसी। बड़े सीध सादे हमारे पड़ोसी, खुदा सबको दे ऐसे प्यारे पड़ोसी। कई साल की उनसे है आशनाई, कभी कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई। हमें भी ख्याल उनका रहता बहुत है, और उनको भी हम पर भरोसा बहुत है। कोई चीज कम हो तो वो हमसे ले ले, जरूरत पे हर चीज वो हमको दे दे। जो त्योहार आए तो घर पर बुलाए, तवाजो करे और इज्जत बढ़ाए। रखते हैं अपना खुला दिल हमेशा, खुशी और गम में है शामिल हमेशा। कुछ उनके हैं बच्चे, कुछ अपने हैं बच्चे, तरीकों में बेहतर सलीकों में अच्छे। न झगड़े न रूठे न गुस्सा दिखाए, सब एक साथ खेले हंसे मुस्कुराए। हम उनके मददगार और वो हमारे, ये दुख सुख के रिश्ते भी कितने हैं प्यारे। जज़ाकअल्लाह। कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता ये रिश्तेदार इसके काम आएंगे। अगले दिन जब चिड़िया फिर बाहर जाने लगी तो इसने कहा, बच्चों खेत के मालिक की बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। ये कहकर वो चली गई। कुछ देर बाद खेत का मालिक वहां आया और बहुत देर तक अपने भाई भतीजों का इंतजार करता रहा। धूप तेज हो गई लेकिन वहाँ कोई भी नहीं ना आया। किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटे देखा हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। अब तुम दो दरांतियाँ तेज करके तैयार रखो, कल हम अपना खेत खुद ही काटेंगे। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत डरे, और जैसे ही उनकी माँ आई तो पर फैला कर चीखी करके अपनी माँ को सारा माजरा कह सुनाया। ये बातें सुनकर चिड़िया ने कहा, बच्चों अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये खेत अब कल जरूर कट जाएगा। जब आदमी अपना काम आप करने के लिए तैयार होता है वो काम होकर ही रहता है। ये कहकर वो उसी वक्त अपने बच्चों को लेकर वहाँ से दूसरी जगह चली गई। दूसरे दिन खेत के मालिक और इसके बेटे ने कैमल आर ट्रैवलिंग टू द डिजर्ट। Rahim, it is getting dark. I am so tired. Let's stop now. I will put up the tent here. Then we will rest at night. Put up a tent. Good night, camel. After some time, camel master, it is so cold outside. Can I put my head inside the tent? Rahim, yes, why not? After some time, camel master, I want to warm my neck. Can I put my neck inside? Rahim, all right. After some time, camel master, my four legs are so cold. May I put them inside? Rahim, yes, you may, but now let me sleep. After some time, camel master, have pity on me. My chest and my belly and my back are freezing. I want to put them inside. Please move aside. Oh, Rahim, brother, move aside. After some time, camel, my legs are shivering and my tile is twitching. I want to bring them inside, Rahim, but the tin is small. There is no room for the two of us. Camel, in that case, master, why don't you go outside? Pushes Rahim out of the tent. Rahim, what a selfish animal. Why did let you come inside?
बिल्ली के बिल्ली के काफिये के गले में गले में में घंटी घन घंटे ये टी घंटी घंटी एक एक जगह जीन गाफेगा जगह बहुत बहुत से चूहे चेवा चूहे ये है चूहे इकट्ठा इकट्ठे इकट्ठे रहते थे रे रहते ये थे रहते थे रहते थे ये थे एक बिल्ली एक बिजरबी लमेली बिल्ली हर वक्त हर वाव का ते वक्त उनकी उन अलीफ में उन की तलाश तक में ताक में ताक में रहती थी रे रहती थी जाती थी रोज रे वाव रोजे रोज वो एक अलीफ ये काफ एक चूहा चूहे का चूहे का तलाश शिकार शीन का फलिफ का शिकार शिकार कर लेती थी कर लामे ले लेती थी बचने पट टंग टंग आ नहीं तन में कर रही थी टंग आकर एक एक दिन दर्जर दिन उन दिन बहुत सब सब चूहों चूहे मिल कर मिल कर बैठे बैठे और बिल्ली बिल्ली से से बचने की बेचे बचने ने बचने की बेचे बच बचने बचने तभी तो ऐसे कुछ पढ़ती थी ना तू की तदबीरे की तदबीरे बीरे सोचने लगे कोई कुछ
कहता कुछ कुछ कहता काफी कहते लिखता कहता कुछ कहता कोई कुछ कहता कोई कुछ लिखना कोई कुछ कपा को हम जाई कोई काफ छे कुछ एक चूहा चूहा चूहे लिफा चूहा खुद 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 खेवा खुद आल खुद को काफा को बहुत बे हेवा होते बे हेते हत बहुत अकलमंद आइन काफलाम कल अकल मीम नून दाल मंद अकलमंद समझता था सीन मीन जे समझ ते लिखता समझता उसे लिखता समझता था उसमें अलिपे सुसीन उसने उसने खड़ा खड़े खड़े हुए खड़े होकर हो कर कहा कहा के काफिये के अगर अलीफ गाफरे कर अगर मेरी मेरे येरी मेरी तरकीब तेरे तर तरकीब तेरे तर काफ ये भी की तरकीब के मुताबिक मुताबिक मीन तो लिखता मोटा बेकाबी मुताबिक काम काम किया किया जाए जी मलिजा हम जाए जाए तो तेवा तो आंदा आंदा अलीमदा हमजा ये हमजा नून डालेगा आंदा बिल्ली बेजर बिल्ला मेली बिल्ली कैसे कैसी बिल्ली आंदा बिल्ली किसी चूहे को नहीं चूहे को नहीं पकड़ नून हेली नहीं पकड़ सकेगी नहीं पकड़ सकेगी सीन का फेंके सकेगा फेंकी सकेगी वो तरकी तेरे तर काफ ये बीबी के बी कतर की ये है के काफी के बिल्ली के गले में एक पांच लाइन हो गई घंटी बांध दीजिए। अस्सलामु अलैकुम एक रस की खीर अच्छा अस्सलामु अलैकुम रस की खीर एक रोज की बात है भाई हमने रस की खीर पकाई पहले रस गन्ने का निकाला उसको हांडी में फिर डाला हांडी फिर चूल्हे पे चढ़ा उसके नीचे आग जला चावल धोकर रस में डाला रस को हिलाया धीरे धीरे
कच कच करके तपती जाती, हम सबसे ये कहती जाती, किसने चावल है उपजाए खेत में गन्ने किसने उगा। पककर जब तैयार हुई तो दी कुछ की पड़ोसन दी को खुश हो दी कुछ पककर जब तैयार हुई तो दी कुछ की पड़ोसन दी को खुश होकर हम सब ने खा खीर थी जैसी रस की मलाई। अस्सलामु अलैकुम एक रस की खीर। अस्सलामु अलैकुम रस की खीर। एक रोज की बात है भाई हमने रस की खीर पकाई। पहले रस गन्ने का निकाला उसको हांडी में फिर डाला, हांडी फिर चूल्हे पे चढ़ा उसके नीचे आग जला। चावल धोकर रस में डाला रस को हिलाया धीरे धीरे, कच कच करके पकती जाती, हम सबसे ये कहती जाती, किसने चावल है उपजाए खेत में गन्ने किसने उगा। पककर जब तैयार हुई तो दी कुछ की पड़ोसन दी को खुश हो दी कुछ पककर जब तैयार हुई तो दी कुछ की पड़ोसन दी को खुश होकर हम सब ने खा खीर थी जैसी रस की मलाई। शुक्र करें सब अब मैं रब का।
I am a girl. My name is Neda. My father name is Zain Khan. My mother name is Ansari Khan. I am studying second standard. I am 8 years old. I live in Kurla, Kachupada.